हेलो एवरीवन, आई एम गौरव एंड यू आर वाचिंग माय यूट्यूब चैनल फिजिक्स पाठशाला। तो भाई, जो आज का टॉपिक है फिजिक्स फॉर क्लास 11, द चैप्टर नेम इज सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स एंड रोटेशनल मोशन। तो टॉपिक है आपका सेंटर ऑफ मास ऑफ ट्रायंगुलर प्लेट। ठीक है भाई, सेंटर ऑफ मास ऑफ ट्रायंगुलर प्लेट। अब इसमें क्या है, आपको एक देखिए, लास्ट के वीडियो लेक्चर में मैंने कुछ 2D शेप का सेंटर ऑफ मास आपको बताया था। अगर आपकी पूरी शेप है तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं, सेंटर पे आता है आंसर। जैसे मान लीजिए पूरी रिंग है तो सेंटर पे आएगा सेंटर ऑफ मास, पूरी डिस्क है तो सेंटर पे आ जाएगा सेंटर ऑफ मास, स्क्वायर है तो उसके डायगोनल जहां काटते हैं वहां जाएगा। मेन बात होती है सेमी, जैसे सेमी सर्कुलर रिंग, सेमी सर्कुलर डिस्क, इनका निकालना टफ था तो उनका निकालना मैंने आपको कल सिखाया था। रिंग और डिस्क दोनों मैंने आपको कल सिखा दिए थे। रॉड का भी मैंने आपको बताया था, यूनिफॉर्म नॉन यूनिफॉर्म दोनों कवर कर लिए थे। तो अब जो आज का है 2D शेप, वह है सेंटर ऑफ मास ऑफ ट्रायंगुलर प्लेट। तो आपके पास एक ट्रायंगुलर प्लेट होगी जिसका जो बेस है वो कुछ आप मान लो कि ये बी दे रखा है। बेस जो है इसकी जो विड्थ है वो कितनी है, बी। बेस की लेंथ बी है और जो इसकी हाइट है, यहां से मैंने एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया मान लीजिए इस तरह से, और ये जो हाइट है ये मान लीजिए आपकी एच है। इसका मास जो है वो कैपिटल एम है। ठीक है, लेट ए ट्रायंगुलर प्लेट लेट ए ट्रायंगुलर प्लेट हैविंग यूनिफॉर्म मास डिस्ट्रीब्यूशन हैविंग बेस ऑफ लेंथ बी एंड हाइट ऑफ एच एंड मास कैपिटल। इतनी बात दे रखी है आपको, एक ट्रायंगुलर प्लेट है इसका मास कैपिटल एम है, उसकी जो बेस है वो बी है, उसकी जो हाइट है वो एच है। अब आपको इसका सेंटर ऑफ मास निकालना है कि भाई सेंटर ऑफ मास जो आएगा वो कहां पर आएगा। क्लियर होगी बात। चलिए तो निकालते हैं इसका हम सेंटर ऑफ मास। किस तरह से निकालेंगे आप ध्यान से देखते चलो। अब इसके लिए आप क्या करोगे, देखो भाई इसमें पूरी प्लेट तो है 2D शेप है, तो क्या करोगे इसमें एलिमेंट मानोगे भाई किस तरह से मिलकर बना होगा। देखिए किस तरह से बना होगा, आप ऐसा करो इसमें एक एलिमेंटल स्ट्रिप मान लो ये, y ऊंचाई पे जाओ, ये मान लीजिए आपका 0.0 ओरिजिन है। ठीक है, तो y ऊंचाई पर गया मैं और वहां पर जाकर dy, y ऊंचाई पर जाकर dy थिकनेस की एक स्ट्रिप मान ली, और ऐसी और स्ट्रिप होगी नीचे, फिर एक और नीचे, फिर एक और नीचे, हालांकि इनकी लेंथ अलग अलग होंगी, सेम लेंथ नहीं होगी सभी की। ऐसे एक स्ट्रिप यहां पर थोड़ी बड़ी आएगी, फिर छोटी, फिर और छोटी, फिर ना के बराबर, सबसे बड़ी यहां पर, फिर छोटी होती जाएंगी स्ट्रिप्स। इन स्ट्रिप्स अगर मैं आपस में जोड़ दूंगा तो ट्रायंगल बन जाएगा। क्लियर होगी बात। तो लेट एन एलिमेंटल स्ट्रिप ऑफ थिकनेस डी वाई, लेट एन एलिमेंटल स्ट्रिप ऑफ थिकनेस डी वाई एट ए डिस्टेंस वाई फ्रॉम ओरिजिन। ठीक है, ओरिजिन से y दूरी पर आपके पास ये स्ट्रिप है जिसकी थिकनेस कितनी है, dy है। ठीक है, अब इस तरह की स्ट्रिप से मिलकर बनेगा आपका पूरा ट्रायंगल। तो
तो आप क्या करोगे, देखो मेरी बात ध्यान सुनो पहले। आप यहाँ पर एक कोऑर्डिनेट सिस्टम बनाओगे जहां पर आप मान लोगे 0.0 तो ओरिजिन है ही। इसका जो मास है उसको हम मान लेते हैं डीएम। मास क्या मान लेते हैं भाई इसका? डीएम। अब इसका जो सेंटर ऑफ मास आएगा बिल्कुल इसके मिड में आएगा, क्योंकि भाई एक रॉड की तरह बिहेव करेगी, तो रॉड का जो सेंटर ऑफ मास आता है उसके बिल्कुल मिड पॉइंट पे आता है। यहां कहीं आपके पास एक पार्टिकल होगा जो पूरी इस स्ट्रिप को रिप्लेस करेगा, उसका सेंटर ऑफ मास, जिसका मास तो हो जाएगा डीएम और इसके कोऑर्डिनेट हो जाएंगे 0.y। अब आपको निकालना है डीएम, इस स्ट्रिप को हटा के यहां पर एक सेंटर ऑफ मास ले लो स्ट्रिप का, तो स्ट्रिप का सेंटर ऑफ मास यही तो आएगा। इस तरह से एक और स्ट्रिप आएगा उसका सेंटर ऑफ मास इसी लाइन पर आएगा, तो इसी लाइन पर हमें निकालना है सभी इन सभी स्ट्रिप्स के सेंटर ऑफ मास का, जो सेंटर ऑफ मास आएगा वो अपना आंसर आएगा। तो पहले स्ट्रिप का सेंटर ऑफ मास मान लिया 0.y पर आना है, वो तो ऊंचाई देखो, अगर इसका मिड पॉइंट लेंगे तो x तो जीरो हो जाएगा अपने आप, मिड पॉइंट लेंगे तो x जीरो हो जाएगा, ये ओरिजिन मान रखी है आपने, तो 0.y पर। अब dm निकालना है नाउ, मास ऑफ एलिमेंटल स्ट्रिप डीएम कैसे निकालेंगे भाई वो भी देखो। चलिए डीएम निकालना देखते हैं कैसे निकाल। देखो अब हमें क्या चाहिए, अब हमें चाहिए मास डीएम। इस मास के लिए क्या करने वाले, पहले आप ध्यान सुनो, इस पूरे ट्रायंगल का मास कैपिटल एम माना था आपने, तो इस पूरे ट्रायंगल का तो मास कैपिटल एम है, और इस पूरे ट्रायंगल का एरिया आप जानते ही हो, 1/2 बेस इनटू हाइट हो जाएगा, ये पूरी हाइट आपकी एच है। अब इस स्ट्रिप का एरिया तो हम क्या करेंगे, पहले हम इस ट्रायंगल के यूनिट एरिया का मास निकालेंगे और फिर इस स्ट्रिप के एरिया से मल्टीप्लाई कर देंगे तो स्ट्रिप का मास निकल आएगा। अब स्ट्रिप का एरिया निकालें कैसे, स्ट्रिप का एरिया के लिए क्या भैया हमें, ये स्ट्रिप है इस तरह से कुछ तो भी अपने पास, ये तिरछी है, हालांकि ये लाइन इतनी क्लोज है कि जितनी लेंथ इसकी आएगी ऑलमोस्ट उतनी ही लेंथ इसकी भी आएगी, तो आप इसकी थिकनेस को तो मान लोगे डी वाई, और ये जो लेंथ है इसको मान लेते हैं एक्स। अभी आपको एक्स निकालना है, मेनली क्या निकालना है, एक्स निकालना है। जैसे आप एक्स निकाल दोगे तो एक्स इंटू डी वाई इसका एरिया हो जाएगा, एक्स इंटू डी वाई इसका एरिया हो जाएगा। अब हम क्या करेंगे, मेरी बात ध्यान से सुनो, इस स्ट्रिप की लेंथ को मैंने एक्स मान लिया, ये साइड और ये साइड बहुत क्लोज है, तो इसकी लेंथ अगर x आएगी तो इसकी भी ऑलमोस्ट x ही आने वाली, खास फर्क नहीं आएगा, ठीक है। तो एक तरह का रेक्टेंगल सा दिखेगा हमें ये, तो लेंथ इनटू विड्थ आ जाएगा हमारे पास एरिया। अब देखिए कैसे निकालेंगे ये x, तो इसकी लेंथ को मैंने x मान लिया, लेंथ क्या मान लिया भाई, x मान लिया, तो इसको अलग से बना रहा हूं, वहां पर आप ध्यान से देखो, ए बी सी डी और ई नाम रख लेते हैं ट्रायंगल का, ए बी सी डी ई ट्रायंगल का आपने नाम रख लिया, ठीक है भाई। अब देखिए ये तो आपके पास बी दे रखा है, जो पूरी हाइट है, जो आपकी पूरी हाइट है वो कितनी है, एच, पूरी हाइट कितनी भाई, एच है ये, और ये आपने इतनी मान रखी थी वाई, तो ये कितनी बच गई, एच माइनस वाई, ये तो बच गई, इतनी जो बच गई वो क्या है, एच माइनस वाई, ठीक है भाई। ये पूरी आपके पास एच थी ऊपर से लेकर नीचे तक, क्लियर होगी बात। तो अब आप जरा ध्यान से देखो और समझो इस बात को, आपके पास क्या है, इसके भी नाम रख लेते हैं डी ई, इसका नाम रख लेते हैं जी, और इसका नाम रख लेते हैं एफ, इस पॉइंट का नाम। तो मैं जिन ट्रायंगल्स की बात करूंगा, देखो वो ट्रायंगल्स आपको सिमिलर दिखेंगे, एक तो सी जी ई, ट्रायंगल सी जी ई और ट्रायंगल सी एफ बी, ये एक दूसरे के सिमिलर हैं। ये क्या है भाई, एक दूसरे के सिमिलर ट्रायंगल हैं। सिमिलर ट्रायंगल कैसे हुए, देखो ये एंगल तो इस एंगल के बराबर है करेस्पॉन्डिंग, ये वाला जो एंगल है 90 इसका भी है, 90 इसका भी है, और ये दोनों में कॉमन है। तो जब तीनों एंगल किसी दो ट्रायंगल के बराबर होते हैं तीनों एंगल, तो वो सिमिलर ट्रायंगल कहलाते हैं, उनके करेस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो बराबर आता है। तो इस केस में क्या आएगा,
सी जी अपॉन में सी एफ इतनी और अपॉन में पूरी बराबर आएगा इतनी और अपॉन में ये पूरी यानी जी ई और अपॉन में एफ बी। अब यहां से अगर आप ध्यान से देखो सी जी क्या है, सी जी आपका एच माइनस वाई है भाई, सी जी क्या है एच माइनस वाई ठीक है, अभी है जगह आराम से लिख सकते हैं यहां पे एच माइनस वाई अपॉन में ये होल अपॉन में आ जाएगा एच इज इक्वल टू जी ई, जी ई आपका आ जाएगा एक्स बाई टू, ये आ जाएगा आपके पास बी बाई टू, ये पूरा बी था तो आधी आएगी बी बाई टू, पूरी एक्स थी आधी आएगी एक्स बाई टू, यहां से एक्स कितना निकला टू से टू कट गया बी अपॉन में एच एच माइनस वाई ठीक है। और इसका जो एरिया है डी ए वो आएगा आपका एक्स इंटू डी वाई, एक्स इंटू डी वाई जो एरिया आएगा, डीएम क्या आएगा डीएम आएगा पूरा मास अपॉन दो इस ट्रायंगल का पूरा मास और उस ट्रायंगल का पूरा एरिया, तो हाफ इंटू बेस इंटू हाइट मल्टीप्लाई एरिया ऑफ स्ट्रिप, क्योंकि एरिया हमें मास निकालना है स्ट्रिप का तो उसी का एरिया से मल्टीप्लाई कर देंगे, ये तो आ गया यूनिट एरिया का मास होगी ट्रायंगल के, अब स्ट्रिप का एरिया डीए था तो उसके एरिया से मल्टीप्लाई करूंगा तो स्ट्रिप का मास निकल आएगा, तो 2m अपॉन में b इंटू एच मल्टीप्लाई b बाई एच एच माइनस वाई, तो b से b क्या हो गया कैंसल, तो यहां से आपका dm तो निकल आया भाई, dm तो आ गया ना, अब इसकी जरूरत नहीं इसको हटा दे रहा हूं मैं, तो सेंटर मास निकालना आप सीख लो और फिर इनके लिए मैं आपको शॉर्ट ट्रिक एक तरीका बताऊंगा ट्रिक बताऊंगा याद करने का कैसे सेंटर ऑफ मास याद करना है आपको, जो मेन मेन अपने पास सेप है उनकी ठीक है, हटा दो इसको। अब क्या जाएगा नाउ अगर हम बात करते हैं YCM की, तो YCM क्या आ जाएगा भाई देखो इस फिगर से, इंटीग्रेशन ऑफ DM मल्टीप्लाई वाई और अपॉन में इंटीग्रेशन ऑफ DM, चलो DM की पहले वैल्यू पुट करते हैं फिर लिमिट आपको बताऊंगा लिमिट क्या रखनी है आपको, y की लिमिट रखनी है DM अच्छा एरिया था वो था आपका x इंटू यहां पर dy और लिखा था वो नहीं लिखा था मैंने शायद है ना x इंटू dy, ये तो x की वैल्यू पुट करी है मैंने सिर्फ dy का मल्टीप्लाई करना भूल गया था मैं, dA बराबर क्या था dA था आपका x इंटू dy, तो x की ये तो हो गया आपके पास यूनिट एरिया का मास और मल्टीप्लाई dA की वैल्यू हो गई x इंटू dy, तो x की वैल्यू पुट करी है मैंने यहाँ पे x बराबर क्या था आपका x बराबर ये तो आया था b अपॉन में h और ये h माइनस वन, तो x की वैल्यू ये पुट कर दूंगा मैं और dy तो ये आ गया आपके पास dm, dm की वैल्यू पुट कर लेते हैं एक बार b से b कैंसिल हो जाएगा तो 2m by h स्क्वायर इंटीग्रेशन h माइनस वाई डी वाई, और एक वाई एक्स्ट्रा है तो इंटू वाई ये तो है होल अपॉन में 2m by h स्क्वायर h माइनस वाई इंटू डी वाई हो गया, xm तो जीरो है तो xm तो मतलब x वाला कोऑर्डिनेट जीरो है, तो हम जब dm मल्टीप्लाई x करेंगे तो dm मल्टीप्लाई जीरो का मतलब जीरो आ जाएगा, तो xm तो जीरो आएगा आपका मतलब इसी लाइन पे सेंटर ऑफ मास आएगा, इसको हटा देता हूं जरूरत है इसकी। अब आप ध्यान से देखो 2m by अभी लिमिट क्या रहेगी, लिमिट देखो किसकी आएगी dy का मतलब y की लिमिट लेनी है अपने को, जो d के बाद लगा होता है dy तो y की लिमिट, dx तो x की लिमिट, dx तो h की लिमिट ठीक है, तो dy यहां से आपने y दूरी पर मारा था तो पहली स्ट्रिप तो इस जगह पर आएगी जब y जीरो होगा, लास्ट वाली स्ट्रिप इस पॉइंट पे जाएगी जब y आपका h के बराबर होगा, तो जीरो से लेकर h तक की लिमिट आपको लगानी है, जीरो से लेकर h तक की लिमिट 2m by h स्क्वायर, 2m by h स्क्वायर तो आ जाएगा बाहर दोनों में कांस्टेंट है, अंदर बचेगा एच वाई डी वाई माइनस वाई स्क्वायर डी वाई, जीरो टू h
होल अपॉन में बचेगा एच इंटू डी वाई माइनस वाई इंटू डी वाई जीरो टू एच जीरो टू एच 2m by h square से 2m by h square कट गया तो y सीम आपका निकल के आएगा, देखो कितना आ जाएगा क्योंकि मीडियन जहां काटते हैं वहां आता है तो h by 3 पे आना चाहिए था। ठीक है h by 3 देखो आंसर आता है कि नहीं देखते हैं अभी। ये आपका x तो आ जाएगा बाहर, y का इंटीग्रेशन y स्क्वायर बाई 2 जीरो टू एच लिमिट हो जाएगी माइनस y क्यूब बाई 3 यहां पर क्या आ जाएगा h आ जाएगा बाहर y जीरो टू h माइनस या जगह वाई स्क्वायर बाई 2 जीरो टू एच। ठीक है भाई अब देखिए एच एच स्क्वायर बाई 2 माइनस जीरो स्क्वायर बाई 2 लिमिट पुट कर दी मैंने, यहां पर क्या आ जाएगा भाई ये एच क्यूब बाई 3 माइनस जीरो क्यूब बाई 3 होल अपॉन में आ जाइए एच इंटू एच आ जाएगा सीधे ही तो एच माइनस जीरो एच डायरेक्ट लिख दिया मैंने एच स्क्वायर बाई 2 माइनस जीरो स्क्वायर बाई 2 चलो एच माइनस जीरो लिख देते हैं लिमिट सब जगह पुट कर दी मैंने लिमिट। एच क्यूब बाई 2 माइनस एच क्यूब बाई 3 होल अपॉन में एच स्क्वायर माइनस एच स्क्वायर बाई 2 ये तो आ जाएगा यहां से आपका आ जाएगा एच क्यूब बाई 6 थ्री एच क्यूब माइनस टू एच क्यूब अपॉन में 6 तो एच क्यूब बाई 6 बच जाएगा नीचे से आ जाएगा आपके पास एच स्क्वायर बाई 2 तो ये आ गया आपके पास एच बाई 3 तो वाई सी एम क्या आ गया एच बाई 3 जो आंसर आ गया ये तो कहा था मैंने कि एच बाई 3 यानी बेस से एच बाई 3 बेस से एच बाई 3 हाइट ऊपर आपको आपका सेंटर ऑफ मास मिल जाएगा। यहां पे 0, h/3 क्योंकि एक्सएम तो 0 होने वाला है एक्सएम बराबर क्या था डीएम मल्टीप्लाई 0 अपॉन में इंटीग्रेशन ऑफ डीएम तो एक्सएम आपका 0 आता तो ये है सेंटर ऑफ मास किसका ट्रायंगल प्लेट का। अगर उसकी हाइट और इसका बेस आपको दे रखा है तो उसके बेस से उसके हाइट पर h बाई 3 डिस्टेंस ऊपर मिलेगा आपको सेंटर ऑफ मास फ्रॉम द बेस तो ये हो गया ट्रायंगल प्लेट का सेंटर ऑफ मास। ठीक है याद करने की ट्रिक मैं आपको सिखाऊंगा अभी आप डेरिवेशन सीख लो पहले सभी के कोशिश करता हूं आपको सारे डेरिवेशन समझ में आ जाए थोड़े थोड़े ये प्रैक्टिस से आएंगे धीरे धीरे आपको कब क्या मानना है दो ही बार जब आप इनको डिराइव कर लोगे तो आपको अपने आप आ जाएंगे क्या हमें कैसे करना था इसका डेरिवेशन। डेरिवेशन करने की कोई शॉर्ट ट्रिक नहीं है बस आपका तरीका ये रहता है कि आपको हमेशा एक एलिमेंट मानना पड़ता है उस बड़ी सी ऑब्जेक्ट में कि एलिमेंटल चीज क्या है वो किस चीज से मिलकर बनी है जैसे ट्रायंगल स्ट्रिप से मिलकर बना था रॉड भी स्मॉल स्मॉल एलिमेंट से मिलकर बनती है रिंग आपके स्मॉल स्मॉल एलिमेंट से डिस्क रिंग से मिलकर बनती है बहुत सारी पतली पतली रिंग्स होंगी उनसे मिलकर डिस्क बनेगी तो ऐसे हम सॉल्व करते हैं इसको। तो अब हम बात करते हैं 3D शेप्स की। बात करते हैं सबसे पहले जो शेप आएगी वो आएगा आपका हॉलो हेमिस्फीयर। ठीक है हॉलो हेमिस्फीयर इसको ऐसे ही बोलते हैं थिन हेमिस्फेरिकल शेल। थिन हेमिस्फेरिकल शेल इसका सेंटर ऑफ मास कैसे निकालेंगे इसको देखिए अब 3D शेप की बात करने लग रहा हूं मैं।
तो थिन हेमिस्फेरिकल शेल का भाई थोड़ा टफ है, आप ध्यान से देखना बढ़िया तरह से, तभी आपको समझ में आएगा। चलिए भाई, हॉलो हेमिस्फेयर, थिन हेमिस्फेरिकल शेल भी कहते हैं इसको। चलिए देखते हैं कैसे करेंगे। तो इसके लिए क्या करोगे, पहले हेमिस्फेयर बना लेते हैं इस तरह का ना। एक हेमिस्फेयर हो गया, अब ये शेल और है, आपको ध्यान रखना हेमिस्फेरिकल शेल है ये। क्या है भाई, हेमिस्फेरिकल शेल है ये, पतली पतली और हॉलो है, मतलब बिल्कुल पतली पतली परत है इसमें इस तरह से। ये हेमिस्फेरिकल शेल है आपके पास, सारा मास सरफेस पे और पतली पतली इस तरह से, बाकी बीच में हॉलो है। बीच में क्या है भाई, ये हॉलो है इस तरह से, दाग दाग कर दिया मैंने। मास केवल इस जगह पर है, सरफेस पे है, वॉल्यूम पे नहीं है मास। यहां पर कैसी है, हॉलो, यहां पर कोई मास नहीं है, न यहां पर न यहां पर, बस केवल ये दिख रहा है आपको, यही मास है बस, बाकी ये भी ऐसे ही है। ये तो बेस में दिखा रहा हूं, सर्कल है। मास तो केवल क्या है, कटोरी देखिए आपने, बिल्कुल कटोरी का निकाल रहे हैं, बाउल का हम निकालने जा रहे हैं। अगर हेमिस्फेरिकल बाउल है तो उसका निकाल रहे हैं इस तरह से, मान लो कि खोखली है बिल्कुल, बस यही मास है इसमें जो भी दिख रहा है आपको। तो इसका मास मान लेते हैं कैपिटल एम। मास कहां डिस्ट्रीब्यूट है, ओवर सरफेस एरिया, सरफेस एरिया पे है केवल मास। ठीक है, लेट ए थिन हेमिस्फेरिकल शेल हैविंग मास एम एंड रेडियस कैपिटल आर। तो जो इसकी रेडियस है भाई, रेडियस क्या है इसकी, कैपिटल आर है इस तरह से, ये इसकी रेडियस है कैपिटल आर। चलिए अच्छी बात है, अब हम इसे कैसे सॉल्व करेंगे वो आप जरा ध्यान से देखो। तो मैंने क्या करा, ओरिजिन मान ली इसके सेंटर पे, ओरिजिन कहां मान ली, इसके सेंटर पे मान। ठीक है, इतनी बात समझ आ गई। अब देखिए आप ध्यान से, अब क्या करोगे, ओरिजिन से थीटा एंगुलर पोजीशन पे जाओ, एंगुलर पोजीशन थीटा पे गए हम, और वहां पर हमने एक सर्कल ड्रॉ कर लिया इसकी सरफेस पे। देखिए रिंग नहीं है, ये रिंग नहीं है, ये हेमिस्फीयर है, कटोरी है। तो किसी थीटा एंगल पर जाकर वहां पर एक सर्कल ड्रॉ कर देंगे ऐसा। तो इस तरह से एक सर्कल ड्रॉ कर दिया मैंने यहां पर, ठीक है, एक सर्कल आगे पीछे पूरा, मतलब ये ऐसे ऐसे पूरा सर्कल ड्रॉ कर दिया मैंने इस पे, इस एंगल पोजीशन पे गया और इस तरह से अंदर ऊपर और फिर इसके पीछे भी ऐसे ही, थोड़ा सा और नीचे आएंगे, हल्का सा एंगल डी थीटा इस जगह पे, ये जो एंगल बनेगा यहां पर कितना बनेगा, डी थीटा आपका जो एंगल बन रहा है, ठीक है, नीचे वाला जो ये पतला सा एंगल दिखा रहा हूं। तो यहां पर आप एक स्ट्रिप मान लोगे इस तरह की, जैसे मैंने मान रखी है, अभी स्ट्रिप आएगी आपको दिखेगी अभी, ठीक है, इस तरह से पतली पतली आपने स्ट्रिप मान ली इसके ऊपर, हेमिस्फीयर दिख रहा है। तो ये जो स्ट्रिप है ये करेगी बिल्कुल रिंग की तरह भी है। कैसे, अभी किससे मिलकर बना है हेमिस्फीयर वो समझना है आपको, हेमिस्फीयर किससे मिलकर बना है, इस तरह की स्ट्रिप्स होंगी, एक स्ट्रिप हो गई ऐसी ना, अभी स्ट्रिप ऐसी चौड़ाई है इसकी और इसके आगे पीछे पूरी है, फिर इसके नीचे एक और स्ट्रिप होगी ऐसी, इसके नीचे एक और स्ट्रिप होगी, फिर एक और स्ट्रिप, उन सभी स्ट्रिप्स को अगर हम अरेंज कर देंगे तो हेमिस्फीयर बनकर तैयार हो जाएगा और खोखला होगा, क्योंकि एलिमेंटल रिंग है। एलिमेंटल क्या है, तो ये किससे मिलकर बनी है, पतली पतली एलिमेंटल स्ट्रिप से मिलकर बनी है, जो रिंग की तरह बिहेव कर रही है। ये स्ट्रिप एक्चुअली पूरी है ऐसी, रिंग रिंग बनेगी, बस उसकी चौड़ाई आएगी ऐसे, तो रिंग बन जाएगी इस तरह की, इसमें चौड़ाई दिख रही कितनी, ये। अब अगर ये थिकनेस निकालता हूं तो ये आएगी थिकनेस, ठीक है, थिकनेस क्या है, थिकनेस एक्चुअल में आर्क है, ये भी रेडियस आर हो जाएगी और ये भी रेडियस आर हो जाएगी। तो ये तो बनेगी आर्क बनेगी, और आर्क इज इक्वल टू क्या होता है, एंगल मल्टीप्लाई रेडियस। तो ये आ जाएगी आपके पास थिकनेस, क्या आ जाएगी, थिकनेस। हमने क्या किया, अब इसकी रेडियस निकालनी है, तो इसकी रेडियस क्या हो जाएगी, जरा आप ध्यान से देखो, ये तो आएगी रेडियस,
भाई यहाँ पर जो रिंग दिखेगी आपको, तो रिंग ऊपर भी है और इसके पीछे भी तो रिंग होगी, ऐसे तो रिंग होगी पूरी इस तरह से, उसका भी तो सेंटर आएगा यहाँ पे सामने, तो रेडियस भी तो बनेगी। देखो नीचे एक तो ये है, पर इसके चारों तरफ एक सर्कल बन रहा है इस तरह से, उसकी रेडियस ये लिए मैंने, ये दिख रहा है ना यहाँ पे सामने रेडियस, ये एंगुलर पोजीशन हो गई, ये सेंटर हो गया हेमिस्फीयर का। अब यहाँ पर एक रिंग जाएगी इसकी बिल्कुल इस एक्सिस के ऐसे रिंग जाएगी, सेंटर आएगा यहाँ पर उस रिंग का, ये हो जाएगी उसकी रेडियस और ये उसकी पोजीशन, रिंग कहां पर है, ये वाई ऊंचाई पर मान लेते हैं रिंग को, कितनी ऊंचाई पर मान लेते हैं कि वाई ऊंचाई पे है रिंग आपकी फ्रॉम द ओरिजिन, हम बोलेंगे लेट एन एलिमेंटल रिंग, लेट एन एलिमेंटल रिंग एट डिस्टेंस वाई फ्रॉम ओरिजिन। अब इसकी जो रेडियस है उसको मान लेते हैं स्मॉल आर, हैविंग रेडियस स्मॉल आर एंड थिकनेस आर डी थीटा एज शोन इन फिगर। फिगर में आपको दिख रहा है बाकी चीज, ठीक है भाई इतनी बात क्लियर हो गई। चलिए तो आगे देखते हैं क्या करेंगे। नोट कर लिया तब देखे ऊपर। हम इसका निकालेंगे मास और इसको रिप्लेस कर देंगे बाय इट्स सेंटर ऑफ मास, तो यहां पर आप क्या बनोगे तुरंत एक कोऑर्डिनेट सिस्टम बनाओगे जिस पे 0.0 लिख दोगे। जो आपको रिंग दिख रही है उसका सेंटर ऑफ मास कहां आएगा, उसके सेंटर पे तो आएगा, तो यहां पर आपके पास एक सेंटर ऑफ मास मिलेगा इस रिंग का जो आपको दिख रही है रेड कलर की, जिसका मास हम मान लेते हैं डी एम और उसका कोऑर्डिनेट आपको दिख रहा है कितना जाएगा 0.y। और इस तरह के और बहुत सारे स्ट्रिप्स आएंगे उनका सेंटर ऑफ मास तो हम यहां पे लगा देंगे, तो बहुत सारे सेंटर ऑफ मास हमें मिलेंगे, उनका जो सेंटर ऑफ मास आएगा वो अपना आंसर हो जाएगा, है ना। तो इस ये एलिमेंटल है, ये मास ऑफ एलिमेंटल रिंग जो है हमारे पास उसका मास डीएम मान लिया मैंने, इसका मास क्या मान लिया भाई डीएम, तो इसके मास को निकालना है, मास ऑफ एलिमेंटल रिंग। चलिए मास ऑफ एलिमेंटल रिंग निकालते हैं डीएम। तो मैंने कल आपको बताया था अगर आपके पास कोई स्ट्रिप है, ठीक है सर्कुलर स्ट्रिप है बहुत पतली थिकनेस की, बहुत पतली, तो उस स्ट्रिप का जो मास कैसे निकलेगा पहले देखो ध्यान से। अब हम करें क्या, हम पहले तो पूरा मास अपॉन पूरा एरिया, तो 2πr² हेमिस्फीयर है ना, हेमिस्फीयर का जो एरिया होता है वो 2πr² होता है, तो पूरा मास अपॉन पूरा एरिया, क्योंकि मास यहां पर किस पे डिस्ट्रीब्यूट है एरिया पे, मास इज डिस्ट्रीब्यूटेड ओवर एरिया, वॉल्यूम पे डिस्ट्रीब्यूट नहीं है एरिया पे डिस्ट्रीब्यूट है, ये आपको ध्यान रखना है। तो मास अपॉन में पूरा एरिया हेमिस्फीयर का। अब इस स्ट्रिप का एरिया जो कि हम मान लेते हैं डीए, क्या मान लेते हैं भाई डीए, और स्ट्रिप का एरिया क्या आता है याद रखो, अगर कोई स्ट्रिप जिसकी रेडियस स्मॉल आर हो और थिकनेस दे रखी हो तो 2πr, जहां r उसकी रेडियस होगी और मल्टीप्लाई थिकनेस, वो होता है एरिया। कल भी निकाला था मैंने, किसी भी स्ट्रिप का जो एरिया आता है वो उसकी सर्कमफेरेंस मतलब 2πr और मल्टीप्लाई उसकी थिकनेस, मैं लिख रहा हूं यहां पे एरिया ऑफ स्ट्रिप इज इक्वल टू सर्कमफेरेंस मल्टीप्लाई थिकनेस, ये होता है किसके लिए, बहुत पतली स्ट्रिप है, थिन स्ट्रिप है ये, उसके लिए बात कर रहा हूं, बहुत पतली जिसकी थिकनेस बहुत कम हो। आप सीधे इस फॉर्मूले से करना, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। तो जो स्ट्रिप है उसके एरिया क्या आ जाएगा 2πr और थिकनेस क्या है इसकी आर डी थीटा, समझ गए। अब सुनिए क्या प्रॉब्लम है,
स्मॉल आर भी वेरिएबल हो जाएगा और थीटा भी वेरिएबल हो जाएगा हमारे पास। तो इंटीग्रेशन में हमको प्रॉब्लम आएगी, हम सिर्फ एक वेरिएबल रखते हैं, या तो स्मॉल आर रखें या थीटा रखें। तो स्मॉल आर को मैं थीटा के टर्म्स में तोड़ूंगा। तो स्मॉल आर अगर मैं यहां से देखूं ध्यान से, तो अपने पास एक ट्रायंगल आपको दिखेगा यहां पर इस तरह से। ये कैपिटल आर, ये स्मॉल आर, यहां पर एंगल थीटा है। तो स्मॉल आर इक्वल टू क्या आ जाएगा, आर कॉस थीटा। यहां पर दे रखा है वाई, और वाई इक्वल टू क्या आ जाएगा भाई, सिमिलरली आर साइन थीटा। इस ट्रायंगल में देख लो आप, ये वाई, ये आर और ये कैपिटल आर, ठीक है। ये दोनों लाइन बहुत क्लोज है, तो एक ही लाइन होना तो कोई दिक्कत नहीं, घबराना मत। सर ये दो लाइन थी, कैसे एक लाइन कर ली, ये भी आ रहा है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं उसमें। चलो आगे देखते हैं। टू पाई से टू पाई कैंसिल, आर से एक आर कैंसिल। पहले ऐसे करते हैं, 2 पाई से 2 पाई कैंसिल कर लेते हैं, m बाई आर स्क्वायर लिखा रहने देते हैं, स्मॉल r के प्लेस पे लिख देते हैं r cos थीटा। एक मिनट मैंने सर उल्टा लिख दिया भाई, ये बेस है ना थीटा, ये आएगा cos, ये आएगा साइन। चेंज कर लेना भाई, ये परपेंडिकुलर है ना, ये तो साइन आएगा, ये बेस है तो ये cos में आएगा। साइन cos चेंज कर लो भाई, यहां पर साइन आएगा इस जगह पे। इसमें आर के प्लेस फिर आर डी थीटा भी था, तो आर 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 इस कट जाएंगे, तो यहां पर आ जाएगा आपके पास एम साइन थीटा डी थीटा। ये आ गया डीएम, ये क्या आ गया डीएम। अब हम जानते हैं बाईसीएम कैसे निकालते हैं, तो बाईसीएम निकालना आपको आता है, फटाफट बाईसीएम निकालते हैं। मेन कहानी होती है डीएम निकालने की, डीएम निकालते हैं आपका आंसर आ जाएगा। अब तो बाईसीएम का फॉर्मूला आप जानते हो क्या होता है, डीएम मल्टीप्लाई बाई अपॉन में इंटीग्रेशन ऑफ डीएम। डीएम की वैल्यू क्या है, एम साइन थीटा डी थीटा इंटू वाई अपॉन में इंटीग्रेशन ऑफ एम साइन थीटा डी थीटा। अब देखो थीटा की लिमिट क्या आएगी, तो स्ट्रिप कहां से मानना शुरू करोगे, पहले स्ट्रिप यहां मानोगे तो ये जो एंगुलर पोजीशन है उसकी कितनी आ जाएगी, जीरो। फिर स्ट्रिप बढ़ाते चलोगे, ये स्ट्रिप और नीचे आएगी, तो ये लाइन और नीचे आएगी, फिर और नीचे, फिर और नीचे, फिर 90। देखो इसको सीधा कर दो तो पहली रिंग तो आपकी यहां पर मिलेगी, फिर अगली वाली रिंग और उसके नीचे, फिर इसके और नीचे, तो यहां से आएगी लाइन, उसके और नीचे तो फिर यहां से आएगी, लास्ट वाली स्ट्रिप तो आपके पास ही मिलेगा बेस, है ना। तो जीरो से लेकर पाई बाई टू इसकी लिमिट आएंगी, जीरो से लेकर पाई बाई टू। अच्छा स्मॉल वाई की वैल्यू क्या निकाली थी मैंने, आर कॉस थीटा, तो उसको भी पुट कर देना, क्योंकि आपका वाई भी क्या है, वेरिएबल है। चलिए तो वाई की वैल्यू पुट कर लेते हैं, तो यहां से अपने पास आ जाएगा एम तो आ जाएगा बाहर साइन थीटा, वाई की वैल्यू आ जाएगी आर कॉस थीटा और मल्टीप्लाई डी थीटा, ठीक है, अपॉन में यह आ जाएगा एम साइन थीटा डी थीटा, इस तरह से जीरो टू पाई बाई टू। इस आर को भी एम से एम कट गया, आर को लिख दो बाहर आप, जीरो से पाई बाई टू यहां भी आएगी लिमिट, ठीक है भाई। चलिए बहुत अच्छी बात है, अब इसमें क्या करोगे आप, टू से मल्टीप्लाई कर लो और टू से डिवाइड कर लो, टू से मल्टीप्लाई टू से डिवाइड, टू साइन थीटा कॉस थीटा जो होता है आपके पास फॉर्मूला होता है ये किसका, साइन टू थीटा का, किसका फॉर्मूला होता है भाई, ये साइन टू थीटा का फॉर्मूला होता है, ध्यान रखना आपको, ठीक है। इन सभी के सेंटर ऑफ मास आपको फाइनली याद करने हैं, क्योंकि न्यूमेरिकल में सेंटर ऑफ मास डिराइव नहीं करोगे आप, आपको हर शेप का याद करना पड़ेगा। तो आप समझ लो डेरिवेशन करते कैसे हैं, आप भी कभी काम आएगा तो आप कर लेना। टू साइन थीटा कॉस थीटा के प्लेस पे साइन टू थीटा पुट कर लेते हैं,
साइन टू थीटा डी थीटा जीरो से पाई बाई टू ये हो गया आपके पास आर बाई टू होल अपॉन में साइन थीटा डी थीटा जीरो से पाई बाई टू ये आ गया आपके पास वाई सी एम। अब देखो साइन का हो जाएगा कॉस इंटीग्रेशन माइनस में होता है वो भी और एंगल का मल्टीपल डिवाइड हो जाता है या फिर एंगल को हम डिफ्रेंशिएट करेंगे और डिवाइड कर देंगे। मैं लिख दे रहा हूं इंटीग्रेशन ऑफ साइन 2x dx अगर दिया हो तो ये आपका होता है माइनस कॉस 2x अपॉन में 2। यहां अगर a दे रखा है और a कांस्टेंट है तो ये रहा फॉर्मूला आपके सामने लिख दिया मैंने, तो इसी फॉर्मूले से मैंने इसे सॉल्व कर दिया। यहां पर सीधे माइनस कॉस थीटा आ जाएगा लिमिट और लिमिट जीरो से पाई बाई टू जीरो से पाई बाई टू रख दो भाई जीरो से पाई बाई टू लिमिट इस टू को याद कर लेते हैं बाहर तो जाएगा आर बाई फोर ये टू और टू यहां पर माइनस भी बाहर अच्छे इस माइनस को कैंसिल कर देते हैं ना ये माइनस से माइनस कैंसिल हो गया तो अब हम रखेंगे पहले कॉस टू इंटू पाई बाई टू कॉस टू इंटू पाई बाई टू फिर माइनस कॉस जीरो होल अपॉन में आ जाइए कॉस पाई बाई टू माइनस कॉस जीरो ये तो आ जाएगा। चलिए आंसर आ गया बस ये आंसर था आपका है ना आर बाई टू दूरी पर मिलता है आपके पास एम स्क्वायर के लिए। आर बाई फोर कॉस टू टू से टू कट जाएगा तो यहां पर आ जाएगा कॉस पाई की वैल्यू होती है माइनस वन और कॉस जीरो की होती है वन लेकिन माइनस लगा हुआ है टू से टू कटेगा कॉस पाई की वैल्यू माइनस वन होती है ध्यान रखना आपको कॉस पाई बाई टू जीरो होता है और कॉस जीरो की वैल्यू वन होती है तो माइनस से माइनस कट गया आ गया आर बाई फोर मल्टीप्लाई टू माइनस टू अपॉन में माइनस वन तो टू बच जाएगा तो आर बाई टू आ जाएगा आंसर। और एक्सएम क्या आ जाएगा भाई एक्सएम तो आपका जीरो आ जाएगा तो सेंटर ऑफ मास कहां पाया जाएगा भाई सेंटर ऑफ मास पाया जाएगा जीरो कॉमा आर बाई टू पर। जो फिगर मैंने बनाया था उस फिगर में सेंटर से आर बाई टू दूरी ऊपर पाया जाएगा अगर आपका होलो हेमिस्फीयर है तो होलो हेमिस्फीयर वाले केस में आपको इस तरह से करना जैसे मैंने आपको भी बता दिया क्लियर होगी बात। चलिए तो अच्छी बात है अब ऐसे ही हम सॉलिड हेमिस्फीयर कर लेंगे और कोन का कर लेंगे फिर सारे आंसर हो जाएंगे फिर मैं आपको ट्रिक बता दूं कैसे याद रखना है आपको इन सभी सेंटर ऑफ मासेस को ठीक है भाई। तो इन सभी सेंटर ऑफ मासेस को हम कैसे याद रखते हैं उसके लिए ट्रिक बता दूंगा मैं आपको आपको ध्यान रखनी है। चलिए भाई तो बात कर लेते हैं सेंटर ऑफ मास ऑफ सॉलिड हेमिस्फीयर। सॉलिड हेमिस्फीयर का सेंटर ऑफ मास कैसे निकालोगे आप तो ये जो आपका होलो हेमिस्फीयर था उससे थोड़ा सा डिफरेंट है क्योंकि इसमें जो एलिमेंटल चीज आएगी वो आएगी डिस्क। पिछली बार क्या आई थी रिंग आई थी अब की बार आपको एलिमेंटल जो माननी है वो क्या माननी है डिस्क माननी है क्योंकि सॉलिड है पूरा ये पूरा क्या है भाई सॉलिड है इसमें अंदर हॉलो नहीं हर जगह मास है आपको ध्यान रखनी है बात ठीक है इसमें हर जगह मास है तो आप क्या करोगे पिछली बार की तरह ही करोगे डिट्टो थोड़ा आसान लेकिन पिछली बार से है ना ये वाला। अब क्या करोगे वाई ऊंचाई पे जाकर यहां पर आप छोटी सी एक इस तरह से डिस्क मानोगे अब डिस्क में बना देता हूं इसमें इस तरह से पिछली बार स्ट्रिप थी इस बार डिस्क है पूरी इसमें मास होगा हर जगह ये देखिए तो डिस्क दिखेगी आपको ये पूरा सॉलिड है ये क्या है पूरा सॉलिड हर जगह मास है इसमें तो इसमें आप जब कट करोगे तो इस तरह के आप डिस्क लोगे अलग अलग रेडियस की डिस्क लेते हैं और पहले छोटी रेडियस की फिर और बड़ी फिर और बड़ी फिर और बड़ी जोड़ते जाओ उनको आपस में आपका हेमिस्फीयर बनकर तैयार हो जाएगा। मतलब जो हेमिस्फीयर बनता है वो किससे बनता है डिफरेंट डिफरेंट रेडियस की डिस्क है पतली पतली उनको जोड़कर आपका हेमिस्फीयर तैयार होता है।
अब हमने क्या किया कि भाई ये तो रेडियस होगी आर, तो जो इसकी रेडियस आएगी स्मॉल आर वो कितनी हो जाएगी, देखिए डायरेक्ट यहां से लेट ए एलिमेंटल डिस्क, एलिमेंटल डिस्क का मतलब है जिससे मिलकर ये हेमिस्फीयर तैयार होगा धीरे धीरे, तो अलग अलग रेडियस की आपकी पतली पतली डिस्क होंगी जिनसे मिलकर ये तैयार होगा, और इसकी थिकनेस है ना ये आपकी डी वाई है, इस बार थिकनेस क्या है सीधी, थिकनेस सीधे इसकी डी वाई लेनी है, आर डी थीटा मत लेना क्योंकि वो सरफेस था तो मजबूरी में हमें यहां लेना पड़ता था तिरछा। अब यह तो डिस्क आएगी तो डिस्क की मोटाई सीधी ऐसी आएगी डायरेक्ट, तो सीधे डी वाई आ जाएगा डिस्क की जो मोटाई है। लेट एलिमेंटल डिस्क ऑफ रेडियस स्मॉल आर एंड थिकनेस डी वाई। अब ये पूरा हेमिस्फीयर इसका मास आप कैपिटल एम मान लो, मास ऑफ एलिमेंटल डिस्क तो ये हो जाएगा आपके पास डी एम, क्या हो जाएगा भाई डी एम। अब डी एम कैसे निकलेगा वो देखो आप, तो एलिमेंटल डिस्क का जो मास आएगा वो पूरा मास अपॉन में हेमिस्फीयर जो सॉलिड हेमिस्फीयर। अब देखिए यहां पर जो मास है ना, मास इज डिस्ट्रीब्यूटेड ओवर वॉल्यूम, इस बार एरिया पे नहीं है, इस बार मास कहां पर है वॉल्यूम पर है, पूरे हर जगह मास है ना इसमें, तो वॉल्यूम पर मास आएगा इस बार। अब अगर मास वॉल्यूम पर आएगा तो यहां पर जो हम लगाएंगे कि मास अपॉन में वॉल्यूम पूरी सेप का, तो पूरी सेप का वॉल्यूम आ जाएगा 2/3 πr³। अब इस बार एरिया नहीं लेंगे हमें पर वॉल्यूम लेंगे, तो हम पहले क्या निकालेंगे यूनिट वॉल्यूम का मास और मल्टीप्लाई कर देंगे वॉल्यूम से, मल्टीप्लाई किसके वॉल्यूम से एलिमेंटल डिस्क के वॉल्यूम से, डीवी क्या है एलिमेंटल डिस्क का वॉल्यूम 3m अपॉन में 2πr³। अब वॉल्यूम कैसे निकलेगा भाई, तो जो आपके पास आपको दिख रही है ना ये, इसका जो वॉल्यूम आएगा वो आ जाएगा इसका, देखिए वॉल्यूम किसी का भी निकालना हो तो उसका जो एरिया दिख रहा हो आपको बेस का वो और दोनों के बीच की डिस्टेंस, मान लीजिए एक सिलेंडर है आपके पास इस तरह से है ना, तो सिलेंडर का अगर आपको बेस का एरिया ए दे दे और इन दोनों के बीच की दूरी को एक्स दे, तो वॉल्यूम क्या निकल आएगा भैया ए इंटू एक्स। तो ऐसे ही आपको क्या दिख रहा है, एक पतला सिलेंडर दिख रहा है बहुत ज्यादा जिसकी थिकनेस बहुत कम है, एक तरह का सिलेंडर है ना, तो ये दोनों बहुत कम दूरी पर है, दोनों की जो रेडियस है वो ऑलमोस्ट सेम आने वाले, दोनों सर्कल जो दिख रहे हैं एक सर्कल ऊपर होगा एक सर्कल नीचे होगा, बीच में थिकनेस होगी, तो किसी भी एक सर्कल का एरिया निकाल दो, किसी भी एक सर्कल का एरिया लगा दो और उनके बीच की डिस्टेंस ले लो, तो एरिया तो आ जाएगा पाई आर स्क्वायर और उनके बीच की डिस्टेंस क्या है डी वाई, तो डी वॉल्यूम की जगह क्या आ जाएगा भैया पाई आर स्क्वायर मल्टीप्लाई डी वाई। अब देखो ध्यान से, अगर हम इस ट्रायंगल से देखें ये तो आपका वाई है, यहां तक क्या आपके पास वाई है ठीक है, ये आर है, तो स्मॉल आर कितना आ जाएगा, स्मॉल आर अगर हम यहां से देखें तो आ जाएगा रूट आर स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, तो यहां से अगर हम निकालें आर स्क्वायर तो आर स्क्वायर क्या आ जाएगा भैया आर स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, इक्वेशन नंबर फर्स्ट है ध्यान रखना ठीक है। तो फ्रॉम फर्स्ट आप देखो इस पाई से ये पाई कैंसिल कर दो ठीक है, पाई से पाई कैंसिल कर दिया मैंने डी वाई, ये लो आ गया आपके पास डीएम, क्या आ गया डीएम, क्या आसान था पिछली बार से, तो जब डीएम आपका आ गया है इसको हम कर लेंगे इंटीग्रेट, तो हम क्या करेंगे इस पूरी डिस्क को हटाकर इसकी जगह पर हम इसका सेंटर ऑफ मास लिख देंगे, और फिर ये मान लेंगे बहुत सारी ऐसी डिस्क मिलकर पूरा हेमिस्फीयर बना रही है, तो उन सभी के सेंटर ऑफ मासेस का जो सेंटर ऑफ मास आएगा वो हमारा हेमिस्फीयर का सेंटर ऑफ मास हो जाएगा, तो 0.0 आप यहां मान लो इसके ओरिजिन पे, इससे y दूरी ऊपर यहां पर एक अपने पास डिस्क थी जिसका सेंटर, तो जिसका सेंटर ऑफ मास सेंटर पे आने वाला है, तो सारा मास यहां पर इस पूरी डिस्क जो आपने पास डिस्क दिख रही है इसका जो मास है इसके सेंटर पे कंसंट्रेट माना जा सकता है, जिसका मास तो हम ले लेंगे डीएम और इसके जो कोऑर्डिनेट होंगे वो 0.y हो जाएंगे ठीक है। ये किसका सेंटर ऑफ मास है, सेंटर ऑफ मास ऑफ डिस्क है ये,
एलिमेंटल डिस्क। तो इस तरह से और बहुत सारे डिस्क होंगी, इसके नीचे एक और डिस्क होगी, फिर उसके नीचे एक और डिस्क होगी, उन सभी के सेंटर ऑफ मास इसी लाइन पर आएंगे, तो उन सभी के सेंटर ऑफ मास का जो सेंटर ऑफ मास है वो अपना आंसर हो जाएगा। तो YCM कैसे निकालोगे आप? अब YCM निकालने के लिए आपको फॉर्मूला है आपके पास, dm into y upon dm, सॉल्व वही फॉर्मूला यूज कर रहे हैं और कोई दूसरा फॉर्मूला है नहीं अपने पास। तो YCM क्या हो जाएगा भाई? dm into y upon में इंटीग्रेशन ऑफ dm, कहां से कहां तक? अब देखो पहली डिस्क हम यहां पर मानेंगे तो y जीरो होगा, लास्ट वाली डिस्क आप यहां पर मानोगे तो y क्या आ जाएगा? कैपिटल R के बराबर, ये पूरी रेडियस तो आएगी इसकी। तो जीरो से लेकर कैपिटल R, जीरो से लेकर कैपिटल R, चलिए dm की वैल्यू पुट कर लेते हैं। dm की वैल्यू है आपके पास, क्योंकि लिमिट तो y की लगानी है, dm आपको y के टर्म्स में आ गया था, dm आपके पास आया था 3m by 2r cube into r is r square minus y square into dy। ये तो dm हो गया, मल्टीप्लाई y, dm की वैल्यू आपको लिख दी थी मैंने, आप देख रहे थे ना, 3m by 2r cube मल्टीप्लाई r square minus y square dy, इंटीग्रेशन इंटीग्रेशन 0 to r 0 to r, ये हो गया आपके पास YCM। हालांकि इसको तो पूरा मास लिख सकते हैं हम, कैपिटल M, इसको आप रिप्लेस करें कैपिटल में, तो कोई दिक्कत नहीं, सेम आंसर देगा सब भी, क्योंकि इंटीग्रेशन ऑफ डीएम आपका कैपिटल एम में आता है। तो यहां पर आप चाहो तो कैपिटल एम ले सकते हो इस पूरे प्लेस की जगह, तब भी आपका आंसर भी आता सेम। इसको हटा दो, जरूरत नहीं है इस फिगर की, बन गया आपका। तो इसे कर लेंगे इंटीग्रेट, अपना वाई सेम आ जाएगा और एक्स तो जीरो आएगा, क्योंकि सभी के सेंटर ऑफ मास आएंगे तो वाई एक्सिस पर, तो नेट जो आएगा सेंटर ऑफ मास वो भी क्या आएगा वाई एक्सिस पर आएगा, क्योंकि वाई एक्सिस का बहुत सिमेट्री है, आधा इधर है आधा इधर है, यहीं पर सेंटर ऑफ मास आएगा बीच में कहीं। चलिए देखते हैं YCM क्या हो जाएगा। 3m by 2r cube, 3m by 2r cube से कट जाएगा, कैंसिल हटा दो खत्म, यहां बचेगा r square y dy का इंटीग्रेशन 0 टू r, ये तो कैंसिल कर देना डायरेक्ट, हटा दो जीरो कैंसिल कर दे सीधे, कॉन्स्टेंट है कैंसिल हो जाएगा, माइनस इंटीग्रेशन ऑफ y cube dy 0 टू r, इंटीग्रेशन ऑफ r स्क्वायर dy माइनस y स्क्वायर dy, छोटी मोटी कोई कैलकुलेशन मिस्टेक हो जाए तो भैया देख लेना अपने हिसाब से, r स्क्वायर y स्क्वायर बाई 2 0 टू कैपिटल R माइनस y रेस्ट टू द पावर 4 अपॉन में 4 0 से लेकर कैपिटल R, डिवाइड में क्या जाएगा आर स्क्वायर तो बाहर आ जाएगा, डीवाई का इंटीग्रेशन वाई बचेगा 0 टू वाई माइनस वाई स्क्वायर का हो जाएगा वाई क्यूब बाई 3 इंटीग्रेशन 0 टू आर, ये लो चलिए सॉल्व कर लेते हैं आंसर हो जाएगा। YCM जो है आपका हो जाएगा यहां से R स्क्वायर मल्टीप्लाई, पहले Y की प्लेस पे रखेंगे R, इट्टू तो बाहर लिख दिया मैंने, इट्टू था इसको बाहर लिख दिया, तो R स्क्वायर माइनस 0 स्क्वायर, ठीक है माइनस, ये तो जाएगा सीधे R रेज़ टू पावर 4 अपॉन में 4 माइनस 0, तो 0 यहां हटा दो y माइनस 0 तो y हो जाएगा, तो r स्क्वायर इंटू r स्क्वायर इंटू r हो जाएगा, ये आ जाएगा आपके पास r क्यूब बाई 3, क्योंकि अगली लिमिट तो 0 है तो 0 रखने पे तो 0 ही आएगा, ये आ जाएगा आपके पास कुल मिला के, तो यहां से आ गया आपके पास r स्क्वायर बाई 4 r स्क्वायर बाई 2 माइनस r स्क्वायर बाई 4 r रेज टू पावर 4 बाई 2 और r रेज टू पावर 4 बाई 4, ये बोल गया मैं r स्क्वायर मल्टीप्लाई हो गया r की पावर 4, ये पहले से r रेज टू पावर 4 है 2, ये 4 ठीक है, सही लिखा हुआ है r क्यूब माइनस r क्यूब बाई 3, इसको ऊपर लिख लेते हैं तो ये कितना आ जाएगा 3r क्यूब, ये जाएगा 2r क्यूब
देखो ऊपर तो आ जाएगा r रेस्ट टू पावर 4 अपॉन 4, 3r³ तो 2r³/3, ठीक है भाई। तो ये आ जाएगा आपके पास 3r/8, 3r/8 आएगा भाई सेम आपके पास, यानी हेमिस्फीयर के बेस से 3r/8 मीटर की ऊंचाई पर उसका सेंटर ऑफ मास होता है सॉलिड हेमिस्फीयर का। किसका? सॉलिड हेमिस्फीयर का। क्लियर हो गई बात? ये था भाई पूरा डेरिवेशन। ऐसे कोन के और हॉलो कोन के भी आपके हो जाएंगे डेरिवेशन। अब मैं सभी डेरिवेशन नहीं करवा रहा, आपको कुछ याद भी करने याद कर लेना डायरेक्ट। ये अगर मैंने बनाया हेमिस्फीयर, ये ओरिजिन मान लिया इसके सेंटर को, तो आपका सेंटर ऑफ मास यहां कहीं पाया जाएगा, कहां पर? 0.3r/8। ये अगर ये 0.0 है सेंटर, तो यानी बेस से 3r/2, सॉरी बेस से 3r/8 हाइट ऊपर सेंटर ऑफ मास मिलेगा आपको सॉलिड हेमिस्फीयर का। क्लियर होगी बात? तो ये भाई आज का जो डेरिवेशन थे वो ट्रायंगुलर प्लेट के लिए कर दिया मैंने आपको, एक हॉलो हेमिस्फीयर कर दिया, एक सॉलिड हेमिस्फीयर कर दिया, ठीक है। तो बाकी बच गया कोन, तो कोन को आप खुद से ट्राई करेंगे, जब आपको नहीं आएगा तो मुझसे पूछेंगे, मैं आपको ट्रिक सिखाता हूं बाकी सभी के करने के लिए ट्रिक क्या होती है, सभी को याद करने के लिए ट्रिक क्या होती है उसको सिखाता हूं। उसके लिए मैं अलग से छोटा सा वीडियो बना देता हूं आपके लिए, 2 मिनट का 3 मिनट का, उसमें आप ट्रिक सीख लेना, सारे याद हो जाएंगे आपको, फिर दिक्कत नहीं आएगी, ठीक है। चलिए देखते हैं, तो इस वीडियो लेक्चर में इतने कर लो, इसकी जो ट्रिक है उसको मैं अलग से एक छोटा सा वीडियो लेक्चर बनाता हूँ 2-3 मिनट का, उसमें आप देख लेना, ठीक है, कि हमें सेंटर ऑफ मास डिफरेंट डिफरेंट जो कॉम्प्लिकेट शेप है, यानी सेमी सर्कल, सेमी सर्कुलर डिस्क, ट्रायंगुलर प्लेट, कोन, सॉलिड कोन, हॉलो हेमिस्फीयर, सॉलिड हेमिस्फीयर, इनके लिए जो अपने पास ट्रिक है वो क्या है, तो उसके लिए मैं अलग छोटा सा एक वीडियो बना देता हूँ, उससे आप याद कर लेना सारे फॉर्मूले। तो इस वीडियो लेक्चर को मैं समाप्त कर देते हैं और ट्रिक को मैं अलग छोटे से वीडियो लेक्चर में बना देता हूं आपके लिए।